डबरा नगर पालिका में इन दिनों सीएमओ प्रदीप भदौरिया के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई दे रहा है। नगर पालिका डबरा की देखरेख में बनाई जा रही अमृता योजना की पानी की टंकियों पर जहां टंकी निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पर टंकी पर कार्य करने वाले मजदूर अपनी जान पर खेलकर निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। टंकी के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के पास ना ही किसी तरह की सेफ्टी किट है, ना ही ठेकेदार, और नगर पालिका द्वारा उनके पीएफ ईएसआई इंश्योरेंस कराए गए हैं। आलम यह है कि सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर रस्सियों और बांस बल्लियों के सहारे मजदूर अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। वहीं पर पूरे मामले में डबरा नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप भदौरिया का कहना है कि समय समय पर वह और उनके इंजीनियर निरीक्षण और निर्देश संबंधित ठेकेदारों को देते रहते हैं। जहां तक मजदूरों के इंश्योरेंस की बात है, तो वह संबंधित एजेंसी पर निर्भर करता है कि उसने उनके इंश्योरेंस कराए हैं या नहीं, लेकिन जब मीडिया की टीम ने मौके पर जाकर हालात जानने चाहे, तब टंकी निर्माण कार्य बिना किसी अधिकारी की देखरेख में संचालित किया जा रहा था, जहां पर मजदूर सैकड़ों फुट की ऊंचाइयों पर चढ़े हुए थे और उन पर किसी भी तरीके के सुरक्षा इंतजामों का इंतजाम नहीं था। निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं पर सीएमओ द्वारा दिए गए बयान से तो साफ जाहिर होता है कि नगर पालिका सीएमओ और ठेकेदार की मिलीभगत का ही खेल चल रहा है कि शासन की राशि को चूना लगाया जा रहा है और कई मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ का खेल खुलेआम चल रहा है। तेज बोलो आवाज में। संदीप, कहाँ के रहने वाले हो? उम्र कितनी है अपनी? तो आप क्या काम करते हैं यहाँ? नीचे रहता हूँ। नीचे क्या काम करते हैं? नीचे लोग पकड़ाते हैं बल्ली बल्ली। हेल्पर हो? हेल्पर हो? कितनी तनख्वाह मिलती है तुमको? साढ़े दस। आप जो सामान देते हो तो आपको ना तो कैप है ना सेफ्टी बेल्ट है, कैसे कैसे काम करते हैं आप? साहब मैं अभी आया वहाँ से उस टंकी पे, अभी तो आया मैं आपके पास, अब लगाएंगे, अभी आया हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मैं 17-18। कितनी टंकियां बनाई जा रही हैं, उन टंकियों पे जो ठेकेदार काम कर रहा है उनके द्वारा, जो लेबर ऊपर जो इतनी ऊंचाई पे काम कर रही है उनके द्वारा किसी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह या सेफ्टी हेलमेट नहीं है उनके पास, तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा? हाँ, बीच में मेरा समय समय पर वहाँ पर निर्माण होता है, काम करते हैं, कई बार मैंने जब देखा है वहाँ ये सब इंजीनियर या मेरे जिले से भी टीम आती है, देखते हैं सुरक्षा संबंधी, कई बार उनको मैंने हिदायतें भी दी हैं, और अगर ऐसा है कि वो सुरक्षा संबंधी सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो उसकी मैं अभी दिखवा दे रहा हूँ, तो उनको सेफ्टी संबंधी जो इंस्ट्रूमेंट है वो उपलब्ध कराने के निर्देश देंगे। दूसरे साहब, जैसे जो लेबर इनके पास जो रहती है ठेकेदारों के पास, क्या उनके पास उनके जो इंश्योरेंस वगैरह और पीएफ वगैरह उनका काटा जाता है या फिर वैसे ही वो लगे रहते हैं? उनके जी विभाग कुछ करता है, देखता है उसकी दुर्घटना होने पर? सर उन्हें देखो, ये संबंधित एजेंसी है, वो डिसाइड करती है कि हमें कौन सी लेबर से काम कराना है, संबंधित विभाग की एजेंसी तय करती है उसका। ठीक है।